अचानक सभी को चकमा देकर गरीब के घर पहुंचे राहुल गांधी। फिर जो हुआ उड़ गए सभी के होश। जी आपको बताया चले कि जहां 1 मई को आज तीसरे चरण का मतदान सुबह 6 बजे से जारी है, लगातार जनता अपने घरों से निकलकर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों का किस्मत तय करने में लगे हुए हैं और तमाम नेता इस समय जनता की अदालत में नजर भी आ रहे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनावी जनसभा और रोड शो भी करते हुए नजर आ रहे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह सुबह एक गरीब के घर में पहुंचते हैं, जहां पर तमाम महिलाओं से राहुल गांधी मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का ये पूरा वीडियो दिखा देते हैं। कहां ले जा रहे हैं मुझे? बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि जो बड़े किसान हैं वो तो अपना समर्थन मूल्य में धान बेच लेते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, हमारी जो धान है हाँ, वो सरकार नहीं खरीदती है। नहीं तो आपने तो सही बात बोली हाँ, कि जो MSP मिलती है हाँ, जिसके पास मतलब जमीन का कागज होता है उसी के लिए होता है ये हाँ, जिसके पास जमीन का कागज नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा। मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी तो आपका भाषण सुना ना, तुम्हें बोला राहुल भैया हम लोग का कुछ करेगा, जरूर मेरे को यकीन है। छोटू कैसे हो? नमस्कार। नमस्कार। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी महिलाओं से बात करते हुए नजर आ रही कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बनाया गया है जिसमें किसानों, आदिवासी, महिलाओं और युवाओं तब के दिलों को छूने वाला है। सिर्फ आपको तय चलेगी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करते हुए नजर आ रहे, इस वजह साफ हो गया कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा कारनामा करने वाली है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टेक से हर्षराज की रिपोर्ट।